Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care. नमस्कार, मुझे डॉक्टर हरप्रीत कौर, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, AMRI हॉस्पिटल, भुवनेश्वर। आज हम डिस्कस करिबा कि को माने बेसी रिस्क रे थांती ओवेरियन कैंसर पई। ए मंथटा होउछि ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ, सेति पई हमें ता ए टॉपिक बिषय रे टिके जानिबा। जदि हमें रिस्क फैक्टर रे गणिबा, इंपॉर्टेंट होउछि फर्स्ट कि ओल्ड एज, माने जेमती एज बढ़ी जाए सेथरे चांसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर बढ़ी जाए। एमती नहीं कि यंग झीओ मानक भी हुए नहीं, यंग झीओ मानक कि छोट झीओ मानक भी हुए, बट से बहुत रेयर। यूजुअली जो मैंने ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स की रिस्क फैक्टर अच्छा से मैंने एज ऑफ 40 एंड अबव। सेकेंड ओबेसिटी, ओबेसिटी तो एबे प्राय बहुत गुड़ा रोगर वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर्स। इवन ओवेरियन कैंसर वन रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी, मीन्स BMI जदि आम कैलकुलेट करूँ कहार मोर देन 30 से मैंने हाई रिस्क फैक्टर रे आसंती। देन जहाँ फैमिली हिस्ट्री अच्छी, आइदर ओवेरियन कैंसर फैमिली हिस्ट्री कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री, ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर गोटे जेनेटिक कोरिलेशन थाए। सो जो मैंने को फैमिली रे ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री भी अच्छी ताले भी से माने ओवेरियन कैंसर पाई एवरी ईयर गोटे फॉलोअप करिया कथा। एटा इम्पोर्टेंट समस्ते मन रखिया कथा कि ब्रेस्ट कैंसर कि ओवेरियन कैंसर फैमिली हिस्ट्री जोटा माँ मौसी कि से मदर मेटर्नल साइड रे जदि को झियो को हेछि ताले तम्मे रेगुलरली आफ्टर द एज ऑफ 30 ब्रेस्ट चेकअप, मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ओवेरियन कैंसर पाई करबा कथा। जहाँ निजर के ब्रेस्ट कैंसर होगी ट्रीटमेंट हो सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर से मैंने भी हाई रिस्क अच्छा ओवेरियन कैंसर पर, अगेन जेनेटिक कोरिलेशन जो बिकॉज सेम जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। जदि किए किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट नौ मेनोपॉज पर से मैंने हाई रिस्क हो जाती कैटेगरी अगेन ओवेरियन कैंसर। समस्त को हेनी से जहाँ को भी हार्मोन्स दिया हुए मेनोपॉज पर ईयरली चेकअप डका हुए जदि कहार एमती स्टार्ट हो चेकअप धरी हे। जो मैंने IVF ट्रीटमेंट पर जाऊँगी हार्मोन्स गुड़ा बहुत दिया हुए फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। सो से ट्रीटमेंट पर हार्मोन्स दबा निहाती दरकार, बट से माने अगेन हाई रिस्क कैटेगरी आम जो डिस्कस करुचु हाई रिस्क कैटेगरी से माने हाई रिस्क रे अच्छा ओवेरियन कैंसर ता माने नो कि जो मैंने IVF ट्रीटमेंट नहीं चंती कि जो मैंने हार्मोन्स नौचंती मेनोपॉज तांको समस्तों को ओवेरियन कैंसर हो जीव ना, बट दे आर इन द हाई रिस्क कैटेगरी आउ ए हाई रिस्क कैटेगरी को रेगुलर ईयरली चेकअप करवा कथा। देन जहाँ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर तो आम डिस्कस करलु, कोलन कैंसर भी जदि फैमिली हिस्ट्री अच्छी से माने भी टिके हाई रिस्क कैटेगरी रे आसंती। देन अदर फैक्टर्स जोटा आम इंडियन सिनेरियो रे कम देखु, बट स्मोकिंग इज अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो थे ओवेरियन कैंसर चांसेस अधिक थाए। एगुड़ा होउछि सब कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो थे ओवेरियन कैंसर रहिबो। एंड आम हाई रिस्क फैक्टर्स कहीं डिस्कस करुचु कहीं ये जो पेशेंट्स मैंने अच्छा से मैंने रियरली चेकअप करवा कथा। एंड इवेन जहाँ के एंडोमेट्रोसिस ट्रीटमेंट होने भी ये कैटेगरी आसती तेल यही लेडीज मैंने इयरली अल्ट्रासाउंड एंड फॉलोअप चेकअप करवा कथा। समस्त प्रकारर कैंसर रोगर सफल चिकित्सा पई आज ही जोगाजोग करंतु कासिनोवा कैंसर हॉस्पिटल कटक। फोन नंबर 9438163280।